नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने आज शहर के थाना परिसर में जिला अपराध बैठक का आयोजन किया। इस प्रकार का आयोजन पहली बार अधीक्षक द्वारा किया गया। इस बीच कल उन्होंने तालुका की जनता से बातचीत की और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस वक्त पुलिस अधीक्षक हसन ने शहर की जनता से इसके पहले किया गया वादा पूरा करते हुए अगले कुछ दिनों में शहर में ट्रैफिक क्राइम ब्रांच शुरू कर दी जाएगी और कुछ दिनों में इसका उद्घाटन समारोह होने की बात कही। शहर में अपराध रोकने के लिए पुलिस द्वारा जल्द से जल्द पुलिस दादा पुलिस दीदी टीम शुरू की जाएगी और साथ ही 40 टीम भी शुरू की जाएगी, इसकी सहमति दर्शाई। पुलिस विभाग द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए कई नई पहल की जा रही और अपराध को समाप्त करने के लिए पुलिस विभाग के प्रयास जारी है, ये बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को तुरंत हल करने का वादा किया। आता वर्धा जिले मध्ये आल्यानंतर हे आमची तीसरी क्राइम मीटिंग है। आता आम्हाला असा वाटला की क्राइम मीटिंग जिला हेडक्वार्टर मध्ये घेण्यापेक्षा घर आम्ही पुलिस स्टेशन मध्ये जाऊन पुलिस स्टेशन एरिया मध्ये जाऊन घेतली तर चांगला राहील। लोकांना पण वेळ मिळेल आमच्या सोबत भेटण्याची आणि आमची पूर्ण जिल्ह्याला पण माहिती मिळेल की एरिया मध्ये काय आहे, कसा आहे, कसा चालू आहे, जिओग्राफिकल एरिया कसा आहे। आमचे जे सर्व PI आहेत त्यांना पण पूर्ण जिओग्राफिकल एरियाची माहिती मिळेल आणि लोकांना पण चांगला वाटेल की त्यांचे एरियामध्ये येऊन आम्ही मीटिंग घेत आहे। तर असा एक नवीन धोरण आम्ही शुरू केलेले आहे। यापुढे सगळी क्राईम मीटिंग वेगवेगळे ठिकाणी लहान लहान एरियामध्ये लहान लहान पोलीस स्टेशन एरियामध्ये आम्ही करणार आहे, जेणेकरून स्थानिक लोकांना पण चांगला वाटेल, स्थानिक लोकांना पण सुरक्षाची भावना निर्माण होईल, आम्हाला पण विजिट केल्यानंतर आम्हाला पण चांगली माहिती मिळेल। हिंगणघाट से NBCN न्यूज के लिए रवि यनोरकर की रिपोर्ट।